हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं संडे मार्केट। तो अभी तक काफ़ी दिन हो गए और हमने यहाँ की संडे मार्केट नहीं देखी है, तो आज देखते हैं संडे मार्केट कैसी लगती है यहाँ की। वैसे मैंने बहुत सुना है कि यहाँ पे मतलब अच्छी मार्केट लगती है, तो देखते हैं आज की संडे मार्केट कैसी होती है। वैसे मैं ठीक तो लग रही हूँ, ठीक है। तो आपको भी दिखाती हूँ कि केरला में लोकल मार्केट किस तरीके की होती है और यहाँ पे जो लोग हैं किस तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं। बस अभी टाइम हुआ है कितना, 5:30 ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि लोकल मार्केट कैसी है। और वैसे ना यहाँ पे नियर बाय एक पार्क भी है और वहाँ पे गणेश जी की बहुत अच्छी प्रतिमा लगाई हुई है, तो अभी हम आज वो भी जाके देख के आएंगे कि कैसी है। वैसे मैंने भी यहाँ पे गणेश जी बिठाए हैं, तो उनकी भी पूजा करनी है फिर हमें शाम को आके। तो जल्दी से निकलते हैं, जल्दी से देखते हैं कैसी है वहाँ पे, मतलब लोकल मार्केट यहाँ की कैसी है, और फिर उसके बाद आके यहाँ घर पे भी अपनी पूजा करेंगे, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे। एक शहर तूफान में पैदा हुआ, प्रतिद्वंद्विता में विकसित हुआ और यूरोपीय साम्राज्यों के लिए युद्ध भूमि के रूप में स्थापित हुआ। यह वाक्यांश कोच्चि का एक अच्छा वर्णन है, जिसका निर्माण 1341 में पेरियार नदी की भीषण बाढ़ के बाद एक प्राचीन बंदरगाह शहर के रूप में हुआ था। 14वीं शताब्दी में चेरा केरल साम्राज्य के विभाजन के साथ यह क्षेत्र एक नए नियंत्रण में आ गया। राजवंश अन्य स्थानीय सामंतों द्वारा प्रतिद्वंद्वी। उपनिवेशीकरण के आगमन के साथ कोची लगभग सभी औपनिवेशिक यूरोपीय शक्तियों का पहला प्रमुख युद्ध क्षेत्र बन गया। कोची के व्यापारियों ने 600 साल से भी पहले अरब, डच, फोनिशियन, पुर्तगाली और चीनी लोगों के साथ काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों का व्यापार शुरू किया था। इससे कोची को समृद्ध होने और पुराने भारत का प्रवेश द्वार बनने में मदद मिली। कोची से ही भारत का उपनिवेशीकरण शुरू हुआ। कोची में अपना आधार स्थापित करने वाला पहला देश पुर्तगाल था। आधुनिक कोची शहर की नींव तब पड़ी जब रॉयल नेवी के एक वरिष्ठ इंजीनियर सर रॉबर्ट ब्रिस्टो को स्वेज नहर के खुलने के बाद एक आधुनिक बड़े बंदरगाह की आवश्यकता महसूस हुई। इसके परिणाम स्वरूप नई कोची बंदरगाह के लिए देश के सबसे बड़े मानव निर्मित द्वीप विलिंगडन द्वीप का निर्माण हुआ। तो गाइस अब आ चुके हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं कैसी है मार्केट। जैसे कि आपने सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, पर थोड़ी थोड़ी बता देती हूँ मैं। वैसे मेन का मार्केट में मसालों की शॉप तो आपको एक मिनट, तो मैं क्या कह रही थी, मसालों की शॉप तो आपको मार्केट में बहुत मिली जाएंगी। और वैसे हम यहाँ पर आए थे लोकल मार्केट देखने के लिए। आज संडे है तो संडे को लगती है लोकल मार्केट, ठीक है। लास्ट टाइम भी आई थी मैं संडे को यहाँ पे, तो देखा था तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा हुआ था कि बस आई और गई। और ये खलीफा परफ्यूम, ये स्विस टाइम हाउस, मतलब मिल जाएंगी। जब मोस्टली जो शॉप्स हैं यहाँ पर बंद रहती है संडे को, ठीक है। बस पटरी, जिसे जिस टाइप पटरी टाइप कुछ होता है ना, इस टाइप की यहाँ पे छोटा मोटा स्टॉल आपको मिलेगा संडे के दिन चीप रेट में। जैसे अब यहाँ ड्रेसेस मिल रही थी तो काफ़ी चीप रेट में थी, ठीक है, पर लिया नहीं मैंने। बाकी ये देखो यहाँ पे पटरी पे लगा हुआ है सब कुछ इसको, ठीक है। मसालों के लिए भी अच्छा है मेन का मार्केट, अगर आपको मसाले चाहिए अच्छे तो। जैसे पाम ट्री का तो शॉप वैसे काफ़ी जगह है, ओपन है, तो वहाँ से भी ले सकते हो। अगर यहाँ से लेना चाहो तो यहाँ से भी, मतलब आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। अच्छा है यहाँ का मार्केट भी, ठीक है यार, इतना बुरा नहीं है तो इतना अच्छा भी, मतलब ठीक है, सो है। दिल्ली के अकॉर्डिंग तो थोड़ा ऐवें ही है, दिल्ली की मार्केट तो आप जानते ही हो कैसी है, पर यहाँ भी ठीक है, अच्छा है, काफ़ी सारा सामान मिल रहा है यहाँ पे, जैसा भी देखना चाहो। मैं तो यार ऑलमोस्ट सब कुछ ले चुकी हूँ, तो इतना अब क्या है ना कि एक भी शॉप पे रुकते हैं ना तो फिर कुछ ना कुछ लेना ही पड़ जाता है, इसलिए फिर मैं रुकती ही नहीं, बस देख लेती हूँ जिस चीज़ की डेट थी। तो एक दो शॉप पे रुकी थी, थोड़ा बहुत सामान ले लिया था मैंने। बाकी देखो यहाँ पे बॉयज़ का आइटम ज़्यादा था इस बार, गर्ल्स का तो वही ड्रेसेस वगैरह मिल रही थी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। अरे यार एक मिनट, देखो यहाँ पर, देखो
ब्लैंकेट वगैरह भी हैं अच्छे काफ़ी। और ये अब गाइस चलो चलते हैं। ये ना सुभाष पार्क का है, सुभाष पार्क में मतलब अंदर से, अभी रात काफ़ी हो गई थी तो कुछ दिख नहीं रहा था व्यू कुछ ज़्यादा अच्छा। रात को ना यार व्यू ज़्यादा अच्छा नहीं आता, बस इसलिए थोड़ा सा अब चलते हैं वापसी। नहीं तो सोचा तो ये था कि जल्दी आ जाऊंगी तो थोड़ा नज़ारा दिखाती आपको यहाँ से, बहुत अच्छा व्यू दिखता है, सनसेट भी अच्छा दिखता है यहाँ से। बट चलो कोई नहीं, ये नज़ारे भी मिल गए देखने के लिए। अरे यार यहाँ पे भी कपल्स हैं बताओ, खैर हर जगह ही हैं। चलो चलते हैं वापसी। तो गाइस बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है? और प्लीज़ जैसा भी लगाओ कमेंट करके ज़रूर बताना। और प्लीज़ हेलो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको।